गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, अभी सुबह के 5:09 बजे मैं सुबह जल्दी उठी हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग पहले जैसी रूटीन मैंने आज फॉलो की है। अब डोंट नो आगे फॉलो होती कि नहीं होती। एंड मैं बहुत धीरे बोल रही बिकॉज घर पे सब सो रहे हैं एंड फिर स्टार्ट हो गया ना मेरा। चलिए जोक्स अपार्ट। सो अब है मतलब 5:09 बजे, तो सोचूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर सुबह उठ के अगर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं। एंड आज ट्यूसडे है, सो ये भी देखते हैं कि हम गुरुद्वारे साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो सच्चे पाशाह भाई की जिन्हें मंजूर जे ऐसे उन्होंने दरबार से दर्शन करने जाना होएगा तो ऐसे जावांगे। एंड जे आज साडा नहीं लिखा होएगा तो फिर किस दिन चले जावांगे। सो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। एंड यस गाइस, बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। एंड मुझे इंस्टा पे एंड स्नैपचैट पे सब पूछ रहे हैं कि आप व्लॉग्स भी नहीं डाल रहे, कंटिन्यू नहीं कर रहे। बहुत टाइम हो गया जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है, मैंने लाइक कंटिन्यू किए ही नहीं व्लॉग्स। सो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग्स लेके आऊँ, बिकॉज अभी मेरी स्कूल की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो मैं बना सकती हूँ थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करके। सो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगता है आपने क्या करना, लाइक शेयर एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने चलते हैं, फिर मिलूंगे आपसे, ठीक है जी। गाइस, मैं उठ चुकी थी 8:30 या 8:00 बजे, 8:15 पे उठ गई थी क्योंकि मम्मा ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। ब्रेकफास्ट खाया एंड उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने लगी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। सो अब मैं आई हूँ वीर जी के रूम में। एंड ये सारा का सारा सही करना है बेडरूम वीर जी का। एंड यहाँ पे बेडशीट भी छानी, बिकॉज यहाँ जो बेडशीट थी वो हमने वॉश करने में गई हुई है। एंड मैंने अभी जस्ट गुद की हुई है, पता नहीं क्यों इतने कम बाल, इतने पतले हो गए, इतना ज़्यादा हेयरफॉल, लाइक ऐसे कर रही थी, पोनीटेल की हुई, वो इतने ज़्यादा निकल रहे थे, आई डोंट नो वाई। अगर किसी को रीज़न पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसे क्लीन करते हैं रूम को, फिर एक एक करके सारे रूम क्लीन करने। मैंने अपना रूम सबसे पहले क्लीन कर दिया है। सो गाइज, बात करते हैं 15 डेज की मुझे हॉलीडे मिली है। पहले तो नहीं मिलनी थी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट ईयर था स्कूल में। एंड जैसे कि रूल है, पहले साल किसी भी टीचर को छुट्टी नहीं मिलती समर वेकेशन में। सो हमें नहीं मिलनी थी, सब कुछ तय था, बट एकदम से हमें कॉल आया कि आपकी 1 to 15 हॉलीडे है, मेरी और एक जो मेरे साथ वर्क करती जसप्रीत मैम उनकी। फिर 16 से लेके जितने रेस्ट ऑफ द डेज है उसके बाद एक और टीचर है उनकी छुट्टी है, ठीक है। सो ऐसे डिवाइड कर दी थी हॉलीडेज। एंड टाइमिंग हमारी 8 to 2:30 होगी, जो कि अभी हमारी टाइमिंग थी अगर हम रेगुलर में जाते 8 to 1 की। टाइमिंग बढ़ चुकी है। सो देखते हैं अब हम जब जाएंगे स्कूल, वहाँ का मैं नहीं कह सकती कि मैं व्लॉग बनाऊंगी बिकॉज वहाँ टाइम नहीं मिलता, कभी ये काम कभी वो काम, बट मैं घर पे हूँ तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। एंड मम्मी आ गई, मम्मी अब मुझे काम देंगी। क्या काम करना है ब्रो? पहले चादर बिछानी है, सबसे पहला काम। सो पहले हम स्कूल में लाइक कोऑर्डिनेटर की बात सुनते थे, अब घर पे हैं तो मम्मी की बात सुनेंगे। चलो जी, बेडशीट बिछाते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। एंड इग्नोर माय मेसी हेयर, ओके? से हेलो टू माय यूट्यूब फैम। इधर आओ पहले, से हेलो टू माय यूट्यूब फैम। हेलो, हम चादर बिछाने लगे, चादर बिछाने लगे हैं। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। मम्मी अब पिलो कवर्स चढ़ा रहे हैं, वो धूप चली गई है, चढ़ पै गया। गाइस गाइस, साढ़े फुला का नुकसान हो गया सी, बड़ा तगड़ा, सारे गिर गए सी, ते असी इत्थे एवें रखे हुए बिकॉज ए रिश्ते है बथेरे फुल, बट ए वाले सारे चढ़ गए, थोड़े बहुत आ रहे हैं हुण। एंड आप सोचोगे कि ये क्यों ऐसे रखा हुआ है हमने, जस्ट बिकॉज ये जो बेड पड़ा है सिंगल बेड, जब आंधी आती है ये ठा करके नीचे गिर जाता है। मैं साइड पे यहाँ पे वीडियो भी अटैच कर दूंगी, मेरे पास वो भी है। सो इसलिए हमने ये यहाँ पे अड़ाया हुआ है कि ये ना गिरे। एंड बाकी ये रे प्लांट्स, हम चलते हैं मम्मा के रूम में, वहाँ की बेडशीट ठीक करनी है। सो लेट्स गो। तो अब ये बेडशीट ठीक करनी है, बाहर लगी हुई है मशीन, 43 मिनट्स अभी टाइम वेट करना पड़ेगा हमें, तब तक हम करते हैं ये रूम सेट। सो ये वाला रूम तो मम्मा ने ठीक कर दिया, इसमें मैंने कोई हेल्प नहीं की, सारी ज़्यादा ना खिसा खिसा के ना इत्थे आ गई, ज़्यादा बड़ी हो गई है। लाइए नहीं, नहीं,
कल ला दांगे। हुण लोकी कहणगे चौपड़ियां पुठी क्यों होईयां पईयां। असीं उधरों दी जा के आए हां। गाइस हम पलट देते हैं दो दिन बाद चादर। मैडम जी सबसे पहले साफ हुआ है, मैंने सबसे पहले क्लीन किया है, मैं अब दिखाती हूँ। ये देखो आई डोंट नो ब्लैक क्यों आ रहा है। सबसे पहले क्लीन हुआ मेरा रूम, लेट्स गो। भाई ये पूछा, मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। अब मैं जा रही हूँ मोपिंग करने, पहले अच्छे से पूरे फ्लोर पे पोछा लगाते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे, बाय। इसमें भी 2 मिनट ही रह गए हैं बस। Guys, this work is also done. करता है सी ए काम भी पूरा। इस वर्क हो चुका है डन, सारा काम हो गया, घर का झाड़ू पोछा एंड कपड़े सुखाना, मशीन से कपड़े लेके आना, सब काम डन हो चुका है। किचन का काम मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं बहुत कम करती हूँ। यस गाइस, एंड अब हम करेंगे कोन कतीरा बनाने जा रहे हैं। सो मैं मम्मा से बनवाती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ रेसिपी। बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में वो सब खाना, वो बहुत अच्छा भी होता है, बेनिफिशियल होता है। सो आप देख सकते हो फेस क्लीन कर लिया, फेस वॉश कराई थी एंड उसके बाद मैं ना स्प्रे आउट करती हूँ वाटर, ठंडा पानी, बिकॉज बहुत गर्म होता है। जैसे हम फेस वॉश करने जाते हैं टैप का वाटर बहुत 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 गर्म होता है, सो इसलिए उसके बाद फेस वॉश करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ कोल्ड वाटर स्प्रे आउट करके, फिर उसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। प्लीज़ इग्नोर माई मैसी है। चलो जी चलते हैं अब एंड देखते हैं कौन कतीरा कैसे बनाते हैं। सो गाइज, गोंद कतीरा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए मिल्क, सेकंड चाहिए गोंद कतीरा, वो हमें अच्छे से भिगो के रखना पड़ता है थोड़ी देर पहले, लाइक 1 or 2 hours पहले वो अच्छे से भीग जाता है, फिर हम यूज़ करते हैं। फिर चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रुअसा, ठीक है। चलो जी बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे मिल्क, लेंगे गोंद कतीरा, लेट मी शो यू, ये इस तरह का होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रुअसा, ठीक है। अब हम लेके आते हैं ग्लास एंड स्पून। एक ग्लास मामा के लिए, एक ग्लास मेरे लिए एंड हमने स्पून ले लिया। मैं आपको एक बार ही कौन कतीरा दिखाती हूँ। सो कुछ इस तरह का होता है, वैसे तो सबको पता ही होगा। आ जाओ मम्मी, आप बनाओ ना, मैं फोन कैसे चलाऊं, मैंने सारी चीजें निकाल दी हैं। ये बन गया मेरे लिए, मम्मी के लिए जो बनेगा उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी, अगर आपने वो देखना है तो आप इंस्टा पे जाके रील देख लेना। ओके गाइस, किस किस के घर पे सुबह से यही चल रहा है, कौन जीतेगा। और वीडियो कौन रही थी और की गाइस, कितनी पतली कुर्ता देखो, सो गाइस हमारे लंच टाइम हो गया, बट हमारे पास अभी कुछ नहीं है खाने को। हम सोचो में पड़े हैं क्या खाएं क्या खाएं, क्योंकि ऑफिस में तो आ चुके हैं भटूरे छोले, हमने कैमरे से देख लिया है एंड पापा जी एंड वीर जी एंड उनके फ्रेंड सब खा रहे हैं भटूरे छोले। हुण साडा की होएगा, एक तो साडे पैर ते ग्रैंड लगे हुआ है गाइस, मेरे पापा के पैर की बोन क्रैक हो गई थी, टूट गई है, सो उनके तो 1 महीने के लिए अच्छे से पट्टियां होंगी। फिर उसके बाद मेरा पैर मुड़ा था, बेड से उतरते वक्त ही पैर मुड़ गया, पता नहीं कैसे, एक उन्हें जरा बंद करके आना, पर मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ क्या नहीं, अब उसमें थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ रही, रात को पट्टी बांधी थी। कल मोंटी सिंह जी के भी कुछ पैर पे हो गया,
सो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। मम्मा के यहाँ पे जो बनता था वो दोबारा से बनने लग गया है, पता नहीं केड़े ग्रैंड चढ़े। चलो फिर भी आप खुश रहने हैं, है ना मम्मी। पर मेन टॉपिक दे गल करी, साडे कोल खाण लई कुछ नहीं हैगा, की खावांगे हले नहीं पता। मैं खाना सी पास्ता, ते करे पास्ता भी नहीं हैगा। कुछ दे दो, लोबिया ले लो। लोबिया नहीं खाना मैं, ए वाला पास्ता पे है। बट साडे कोल क्रीम नहीं हैगी, तो दूजी चीज पई है ओदे कोल भी नहीं हैगी क्रीम। सेवैया बना लिए, हाँ जी, पर फिर लस्सी नहीं पी जाएगी, हमने मीठी लस्सी भी पीनी है। मीठी लस्सी मम्मी बना रहे हैं, कभी ना नहीं तुझे मीठी लस्सी बना दो, मैं कुछ खाना ही नहीं, फिर मैं पी के सो जाऊंगी। चलो गाइस मीठी लस्सी बनाते हैं, पीते हैं और फिर सो जाते हैं। बनाते क्या मम्मी बनाएंगे? पोहा पड़ा है। पोहा मैं नहीं खाती, एक बार खा कर तो देखना। मोंटी सिंह खा लेंगे। नहीं मोंटी सिंह तो खा गए, खा गया ना फिर। मैंने खाना नहीं ना यार, बेटा एक बार तो होता अच्छा होता, खा के देखते। नहीं वैसे मोंटी सिंह कह रहे मोटी हो रही है तू, मैं मोटा हूं। फेस पे दाग धब्बे हट जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो गाइस देखो हम कैसे बना रहे हैं मीठी लस्सी, एंड इसके अंदर हम ऐड करेंगे रूअफ़ज़ा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐड करके, एंड हम ऐड करेंगे मलाई। गाइस हमने कर्ड डाला इसमें, एंड अब चीनी डाल रहे हैं, पता नहीं कितनी पाती है। देखो एक गिलास ही दो चम्मच पैंदी है, हुण चार गिलास ते बनणगे बनणगे ना, ते दो ते कब मेंबर घर दे है ही नहीं इत्थे हल्ले, ओ पई रहेगी ऑफिस ते क्या होगे। जानी भी उन्होंने मैनू भटूरे छोले पुछे ना आप खा गए, मम्मी ने भटूरे छोले नहीं दिते, मम्मी आप खा भी नहीं पाओगे, जो आपको दोबारा से पेट्रियोटिक ग्लैंड हो गया है उसकी वजह से। कहाँ स्वेलिंग आई, इस साइड आई है ना, ये सारी दोबारा से स्वेलिंग आ गई है, एंड ना बिल्कुल हार्ड सा हो जाता है फेस, हार्ड सा हो जाता है, तो कुछ खाया नहीं जाता। और पेन तो कल बहुत ज्यादा थी रात में, बट मैंने अल्ट्रासाउंड दे दी थी रात में, तो अल्ट्रासाउंड से फर्क पड़ा था ना। अब सुबह जो ट्रीटमेंट है ये वाले का पेट्रियोटिक ग्लैंड का, तो वो वाली मेडिसिन खाई है, वो ब्रेकफास्ट के बाद होती है। चलो देखते कैसे बनती है। गर्मियां जे ए यूज ना होवे मैं हो ही नहीं सकदा, चार बोतला पी बैठे हो ऐसी दस दो कितनी मिलीलीटर दी बोतल होंदी है। बस ये होता नहीं, ये 750 ml जितनी शैम्पू दी बोतल होंदी है। बस सो गाइस ये तैयार हो गई हमारी मीठी लस्सी, जिन्हें पीनी है वो जाके बना लो। मम्मी अभी बर्गर मांग दे रही है। इस लस्सी पी लिए मैंने, मीठी लस्सी बहुत बढ़िया बनी सी, एंड थोड़े से चिड़बड़े भी खा लिए। अब है मेरा नीनो टाइम, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर उठ के मुझे करना है स्कूल का काम, एक वीडियो क्रिएट करनी है, एंड फादर्स डे से रिलेटेड कुछ बनाना, हो सकता है इसी वीडियो में बनाऊं, एंड उसकी अलग से भी वीडियो बनानी, हो सकता है व्लॉग में ऐड करूं या ना करूं, देखते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आज बनाऊं या कल बनाऊं, कुछ नहीं पता, लेट्स सी क्या होता है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक, लोग पूछ रहे हैं तेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, मैं की दसा तुसी पैसे नहीं दे रहे कौन पैसे नहीं दे रहा, थोड़ा मोर ठीक हो जाए, अभी दोबारा आ रहे हैं, गज वज के
पूरा टब्बर पूरा खानदान चार बंदियां दा खानदान हैगा साडा। पापा के पैर पे चोट लगी हुई है गाइस, पट्टी भी नहीं कराई ना आपने? जा रहे हूं यार, काम करा रहे हो तो टैला लग रही है। सो पापा जा रहे हैं दोबारा से ऑफिस। बाय बाय। पापा चले गए ऑफिस दोबारा से। एंड मेरा आलसपन देखो कि अब इसको कौन उठ के बंद करेगा। तेरी माँ आएगी बंद करेगा। आ जाओ ना। ऐसी आलसन है ना। जब छुट्टियां होती ना बंदे के स्कूल की तो मैं ना हूँ सोना है तो एसी चला दे ठंडा कर कमरा। उते भी को कंजूसन आएगी, दो मिनट बाद एसी बंद कर देती है। दो मिनट बाद ही नहीं। मम्मी आपके सूट का कलर कितना प्यारा लग रहा है, देख ला जांदे आ। हुन तुसी गेट बंद करन आए हो तो तुसी देख सकते हो ना। ओ बड़ा माशिव शंकर चलता है कैमरा, वो देखो कैमरा भी उड्या रहंदा है। छत्ती वाली ठीक करा लो, एनु कोई फर्क नहीं पैंदा। इतनी 55 डिग्री या कितनी डिग्री है, ये कैमरा जरा की करेगा। कोई 48 कह रहा है, कोई 45 कह रहा है, हुन पता नहीं कितनी हैगी है। हुने रील आई सी 60 डिग्री आई ना, ते कोई बंदा नहीं बचेगा। किथे ने पापा? ओ गए। ओ देखो। ओ वेखो। ओ गए। हुण ओदे बाद इत्थे वेख लेना गाइस। हां। ए कैमरा चलदे रहंदा है, साडे मोंटी वीर जी बैठे नेरे। नी शिवा उठ जा, जे ना चलाया ना तू फिर तेनु फंड पै जानी फ्री फंड दी। ए आपां करता एसी ऑन, पक्का भी करता ऑन। ऐसी एसी ऑन, हेलो हो गया। हुण असीं करांगे निन्नो। मम्मी कहंदे मैं आलसी हां, हुणे किन्ने नहीं चक्या तो ते कौन देण आ रिहा? तो ओदा भांडे भी धोले आ जा। देखो पानी बड़ा उबल रिहा, हाथ बड़े सड़ दे। तेरी मां दे प्लास्टिक दे मेरे हाथ कट जांदे ने। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਧੋ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਧੋ। ਲੱਸੀ ਭਈਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁਣ, ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਲਾਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਹੁਣ? ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਮੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਗਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਏ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ ਪੀਗਲ ਜਾਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪੀਗਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। देखो दो मिनट का काम नहीं सी, मैं बैठते आराम ना रेस्ट कर रही सी। गाइस मम्मी करे काम, हुन मैं प्रेस भी कर रहा, पांडे भी धोवा, किथे जावा मैं? जिस दिन मैं नहीं होवांगी ना कार, फिर कहो गया शिबा आन दी चंगा सी। अब भी तो मैं ही कर दी सी। ऐसा ज्यादा मैं कुछ ज्यादा सुन लांगी, इट्स बेटर। रूम च चलो ते रेस्ट करो। पापा पहुंचे नहीं अल्ले। गाइस कैमरा लगा हुआ है। गाइस पापा पहुंच चुके हैं एंड अब हम कैमरा बंद कर देंगे। लच पाला दे लड़ लगिया, मैं साई पापा दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदा दे, मेरी आसा उम्मीदा दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लज पाला
दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मम्मा के फोन में ना सिर्फ 24% बैटरी रह गई है, तो अब मैं मम्मा को बोलूंगी कि मम्मा मैंने देखो कितना बड़ा काम किया है, आपका फोन चार्जिंग पे लगा दिया, तो रिएक्शन देखते हैं मम्मा के। ठीक है, मम्मा मैंने आपका फोन चार्जिंग पे लगा दिया, देखो कितना बड़ा काम किया, 23% बैटरी थी सिर्फ। मैं देख लिया पापा पहुंच गए थी ते मैं लगाता चार्जिंग ते, देखो मैं कितना बड़ा काम किया है, तुसी मैनू हुण किवें आलसी कह सकदे हो। हाओ चार्जिंग ते लाना पता कितना वड्डा काम है, भांडे धोने तो भी वड्डा काम हैगा जे, तुसी फोन किवें चलाओगे जे बैटरी नहीं होएगी ते। थैंक यू सो मच। हुण ऐसी गल ते मैनू पास्ता खवा दो, शामी क्रीम ले आवांगे। तो पास्ता वो वाला दूजा भी नहीं हैगा ना, वो भी लेके आवांगे, वो पैकेट ले आई ना। चलो गाइस चले, शाम हो चुकी है, मेरा भी पै गया है, मम्मी बना रही सब्जी ते मैं आई है किचन च। केड़ी सब्जी बन रही है? बड़ियां दी, मैं दिखानी है। इसमें हेड कवर इसलिए किया हुआ है बिकॉज जो मेरी शाम की रूटीन है पार्ट करने की, सो वो हो चुकी है डन, एंड ये जल्दी से मम्मा बना ले, एंड मेरा दिल कर रहा है टिक्की खाने का, तो हो सकता है कि मैं बाहर जाके लेके आऊँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मम्मी कह रही बारिश आई है, वहाँ सब्जी बन रही है, वैसे छोड़ा है। तो अगेन बीजी बैक 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 इन द किचन किचन। जब कितनी देर के लिए रखना है इसको? 10 मिनट के लिए। ओके। मसाला अंदर जमा जाए ना सारा। बढ़िया है ना। वैसे सूखी भूखी बन जाएंगी ना? बन जाएंगी। इसमें ऐड करने वाले हम गरम मसाला, जीरा। अब नेक्स्ट ऐड करेंगे भुनिया हुआ जीरा। और धनिया पाउडर, अब हरा धनिया, हरा धनिया, बस इसको थोड़ी सेम कर लेंगे ना। तो इसमें मसाले या चले जाएंगे कवर करके रखोगे इसको। इसमें पानी क्यों डाला? ये सारी जल जाएगी ना बीच में, पानी सूख जाएगा, अभी लगेगी नहीं ना जब तक पकेगी। डिम पे कर दिया, अब हम इसको ढक देंगे। दैट्स इट, 10 मिनट तक करने देंगे इसे? हाँ 10 मिनट। ठीक है। सो गाइस अभी जिसमें हमने बड़ियों का पानी बचा था वो अब हम डालने जा रहे हैं पौधों में, हाँ मतलब मम्मी डालने जा रहे हैं। गाइस हम एक कंजूस भाई से टिक्की ले आए हैं,
जिसने दही में पानी मिलाया हुआ था फिर भी उसने जरा सा दही डाला। राज्य की कंजूस है। चुखंडी चौंक का भाई है गाइस। गाइस देखो प्याज क्या, वो कितने दाने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ये तो पैसे भी अद्धे ले लो फिर। चलो गाइस आ जाओ खा लो, पेप्सी पी लो, मिलते हैं हम आपको खाने के बाद। गाइस लगता है एसी कुछ ज़्यादा ही चल गया है। अरे तुझे पता नहीं कितना ज़्यादा पानी लीक हो गया, होने भी लीक हो रहा है देखो। सो कंप्लेन करती सवेरे ठीक होएगा। हूँ मैं लिया के थे पोछा रखे बिकॉज बेड के थले तक पानी चला गया सी। गाइस मम्मा यहाँ पे काम कर रहे हैं किचन का, रोटी सब्जी बना रहे हैं, सब्जी तो बन गई थी। सो मैंने डिनर कर लिया है, करते हैं इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग। सब्जी बड़ी है फिर सब्जी बनी है, मैंने नहीं बता सी बिकॉज अंदर पानी इतना ज्यादा लीक हो गया सी, एसी चो बेड के थले तक चला गया सी। सो मैं उत्थे देख रही थी। सो गाइस करते इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग। 20 मिनट से ऊपर ज्यादा ब्लॉग हो गया, 22 मिनट का हो गया एंड ये एंडिंग पार्ट शूट कर रही हूँ, 2-3 मिनट का ये भी होगा। सो 25 मिनट का ब्लॉग हो गया, करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज इग्नोर मैसी हेयर बिकॉज बहुत 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 गर्मी है। चलो मम्मी बाय बाय कर दो, बाय बाय।